नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारी अल्कज़ार ने 4000 किलोमीटर का ट्रिप जो है वो पूरा कर लिया है। बेसिकली हमने इस पे 4000 किलोमीटर का ट्रिप पूरा कर लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए एक ब्लॉग के थ्रू। ये ब्लॉग कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ कि अब तक का एक्सपीरियंस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और मेरे जो मोस्ट फेवरेट फीचर्स जो अल्कज़ार में हैं वो क्या क्या हैं, ये गाड़ी कैसी है एंड ऑल ऑफ दैट। एक और बात बताना चाहूँगी कि ये रिव्यू वीडियो जो है ना, हमने रात को शूट किया है जस्ट टू शो कि कितना अमेजिंग ये रात में भी ये कार लगती है विद ऑल द लाइट्स ऑन एंड एवरीथिंग। बहुत अमेजिंग लगती है रात को भी, तो क्यों ना आपको एक हम व्यू दें इस कार का कि कैसा लगता है। सो ये देखिए, आई होप मैं इसका ओवरऑल व्यू आपको दे पा रही होंगी। मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है वो एम्बिएंट लाइट्स जो कि आपको पिंक स्ट्रिप्स में दिख रहा होगा डोर साइड पे। तो डोर पे लगे हुए हैं ये, बेसिकली दोनों डोर्स पे हैं। और ये हैं कुछ ड्राइवर एंड को पैसेंजर एरिया का व्यू। इसके हेडलाइट्स का थ्रो देखो आप, बहुत अमेजिंग है ये। काफ़ी दूर तक और काफ़ी ब्राइट, आराम से काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ये फ्रंट व्यू है अल्कज़ार का, ये देखिए कुछ ऐसा। ये फ्रंट व्यू है हमारे अल्कज़ार की। अब चलिए आपको रियर पोर्शन पे ले चलती हूँ, रियर से कैसा दिखता है एक बार देख लेते हैं। बैक लाइट्स वगैरह कैसे दिखते हैं ये देखिए। मुझे ये पोर्शन सही में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसकी जो लाइट्स मतलब अच्छी लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है। स्पेशली ये जो सिर्फ स्ट्रिप है ना, वो अगर ऑन रहता है तो काफ़ी सुंदर दिखता है। और ये देखिए यहाँ पे अल्कज़ार की ब्रांडिंग हो रखी है, खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये डिजिटल मीटर का व्यू है। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में रहता है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि डोर्स वगैरह ओपन है ना। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली ये प्रॉम्प्ट कर रहा है स्क्रीन कि देखो भाई तुम्हारे दो डोर्स कार के ओपन हैं, इन्हें जल्दी क्लोज करो अगर फटाफट आप कहीं जाना चाहते हो तो। और ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, मैं जैसा बता रही थी ये एम्बियंट लाइट। बाय द वे इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हो, ये 64 कलर्स में अवेलेबल है एज अ क्विक इन्फॉर्मेशन। ये देखिए सारा कुछ ऐसा दिखता है। पियानो ब्लैक फिनिश में इसका डैशबोर्ड है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ब्लैक में। रियर का कुछ ऐसा है, जस्ट आपको एक फील देने के लिए, क्योंकि हमारा 7 सीटर है तो यहाँ पे एक हैंड रेस्ट दे रखा है। तो उस हैंड रेस्ट के साथ ये देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसको आप एज इन 5 सीटर यूज़ करोगे ना तो क्या अमेजिंग स्पेस इस कार में, इस रो में, मिडिल रो जो है इसमें बनकर आता है। आप सीट्स को एकदम प्रॉपरली बैक कर सकते हो और जितना बैक पे पुश कर सकते हो इतना ज़्यादा स्पेस निकल के आता है कि क्या बोलूँ। तो चलिए क्विकली जो मेरे फेवरेट कुछ फीचर्स हैं अल्कज़ार के वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस कार में मेरी बेसिकली क्या टॉप वो 5 या 7 फेवरेट फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, बीइंग एन ओनर मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वो देखते हैं। ये जो IRVM है ना, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। इसका फंक्शन ये है ना कि रात को जब भी आप मतलब हाईवे वगैरह पे ड्राइव कर रहे होते हो तो मतलब पीछे से अगर कोई लाइट वगैरह या हाई बीम में लाइट वगैरह मारता है ना, तो ये आपका वो इंटेंसिटी को बहुत टोन डाउन कर देता है। तो अमेजिंगली मतलब ये अपना काम, अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, हमें कुछ भी मैनुअली इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं फीचर नंबर 2 के बारे में। फीचर नंबर 2 ये है कि आप जो मिडिल रो की सीट्स है ना, आप उसको ईजिली दोनों साइड्स के सीट को टम्बल डाउन कर सकते हो, मतलब वो आराम से फोल्ड होकर आगे चला जाता है बोथ साइड, मतलब आप दोनों में से जिस तरफ से चाहो अपने कंफर्ट के हिसाब से
गाड़ी के अंदर जा सकते हो, गाड़ी के बाहर आ सकते हो। तो इंग्रेस ईग्रेस के काफ़ी इजी मतलब रखा गया है, क्योंकि दोनों साइड्स के ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मैं क्विकली आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से फटाफट मतलब आप बैक रो को एक्सेस कर सकते हो। वो इस तरह से फोल्ड हो जाता है। देखिए, ये सीट इतनी बड़ी है, लेकिन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा था इस पूरे प्रोसेस को करने में। तो आराम से टम्बल डाउन हो जाता है, और देखिए काफ़ी डिसेंट स्पेस है ताकि आप थर्ड रो को आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जो ईजीनेस से आप इसमें इतने बड़े सीट को आराम से टम्बल डाउन कर लेते हो। तो आते हैं क्विकली थर्ड फीचर पे, और वो ये है कि आप ये जो ड्राइवर साइड सीट है ना, इसको आप बहुत इजीली मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा यहाँ पे स्विच दे रखा है, तो अगर आपको देखिए जैसे गाड़ी आगे करनी है, तो देखिए कितना ब्यूटीफुली एफर्टलेसली ये आगे पीछे हो सकता है। तो कुछ ऐसा है, अगर आपको गाड़ी को रिक्लाइन करना है, तो ये देखिए मैंने प्रेस कर रखा है, और कितने अच्छे से ये पूरी बैक तक चली जाती है बेसिकली रिक्लाइन होकर के। तो ये मतलब बहुत ही इजीनेस इसको बोलते हैं, ड्राइवर साइड में होना बहुत ज़रूरी भी है कि आप आराम से ये गाड़ी को चला सको। तो आपको जितना स्पेस चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट व्हाटएवर यू वांट, आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मेरा जो थर्ड फेवरेट फीचर है वो ये था। तो क्विकली चलते हैं हमारी फोर्थ फीचर की ओर। तो जो मेरा फोर्थ नंबर पे मतलब जो फेवरेट फीचर है वो ये है कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वो 10.25 इंचेस का है, बड़ा है, अमेजिंग है, एकदम क्लियर डिस्प्ले है, बहुत ही मतलब फ्लूइड मूवमेंट है यहाँ पे, बहुत ही आराम से इजीली आप मतलब इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। तो जो मेरा फिफ्थ सबसे फेवरेट फीचर है वो ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले यूनिट जो है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें बेसिकली हमें 3 मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कंफर्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट मोड है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी गाड़ी जो होती है कंफर्ट मोड में होती है, कंफर्ट, इको एंड देन स्पोर्ट्स। तो बहुत अमेजिंग है ये फीचर, और बहुत इजी टू मतलब ड्राइव ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप जिस तरह के कंडीशन में हो उस तरह के ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट मेरी जो फेवरेट फीचर है इस कार की वो ये है। देखिए ये जो ट्रे है ना, इसको आप आराम से ऊपर कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है, अगर आप अपना मोबाइल या टैब वगैरह रख के कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड करना चाहते हो, तो यू कैन वॉच एनी सॉर्ट ऑफ मूवीज, गाना सुन सकते हो। और यहाँ पे ना एक होल्डर भी दिया हुआ है, कप होल्डर है, तो वो आराम से इजीली ओपन हो जाता है। तो यहाँ आप अगर अपनी जूस चाय व्हाटएवर आप स्टोर करके रख सकते। मैं एक बस आपको इंस्टेंस बताना चाहूँगी कहाँ इसका हमने एक्चुअल यूज़ किया था। तो हम बेसिकली कोटिलिंगेश्वरा जा रहे थे, और हमारा मतलब काफ़ी टाइम निकल चुका था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने तो ब्रेकफास्ट खा लिया था घर पर मेरे भाई ने मतलब नहीं खाया था उन्होंने, तो हम लोगों ने फटाफट उनको जो भी पराठा भुंजिया वगैरह यहीं सर्व करके बिठा दिया था। पानी का बॉटल यहाँ पड़ा हुआ था, एंड देन उन्होंने अपना आराम से इजीली यहाँ पे बैठकर अपना ब्रेकफास्ट ग्रैब किया। इससे फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि सीट वगैरह उतना ज़्यादा आपके खाने की वजह से गंदा नहीं होता है। तो ये मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट सा अच्छा सा स्पेस लगा, जिसका है एक्चुअल सेंस में भी यूज केस है। अगर आप चाहो इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। क्विकली आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फीचर पे, वो ये है कि ये जो एम्बिएंट लाइट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, ये एम्बिएंट लाइट ना बहुत खूबसूरत है, 64 कलर्स में अवेलेबल है। आप इसके कलर्स को ना इंफोटेनमेंट यूनिट के हेल्प से चेंज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। आप अपने बेसिकली मूड के हिसाब से इस लाइटिंग को चेंज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है, ये ब्लाइंड ना मैं आपको बताती हूँ इतना प्रैक्टिकल मतलब इसका यूज केस है। हम अराउंड 3 डेज की जर्नी कर रहे थे जब हम बैंगलोर से जमशेदपुर ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने ना पूरा दिन मतलब क्योंकि हम लोग 8 बजे स्टार्ट हो जाते थे और रात के 8 बजे हॉल्ट करते थे किसी भी होटल में, तो हमने पूरा दिन इस ब्लाइंड को चढ़ा कर रखा था। गर्मी काफ़ी थी आंध्रा में उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बिल्कुल गर्मी फील ही नहीं होने दे रहा था बेसिकली। तो ये ब्लाइंड का तो अमेजिंग यूज़ केस है, बहुत ज़्यादा सन जो होता है ना वो आपके मतलब केबिन के अंदर उसका ज़्यादा ये फील आपको नहीं होने देगा, हीट नहीं फील होने देगा। तो ये ब्लाइंड का तो प्रैक्टिकली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा यूज केस है, मतलब आई लव्ड इट, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग फीचर है जो कि सरकजार में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दिन में भी अगर बाहर से अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ये डिसेंट ब्लाइंड है, मतलब डिसेंट दिया है।
तो चलिए, ये थे मेरे कुछ फेवरेट फीचर्स जो मैंने आपको बताया। अब क्विकली हम इस गाड़ी की ना कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर आप मतलब टू स्टार्ट ऑन विथ, तो सबसे पहले तो मुझे इस गाड़ी की NVH लेवल्स बहुत अच्छी लगी। इतना अमेजिंग है, गाड़ी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आता है, खुद के इंजन का भी नॉइज नहीं आता है, इंसुलेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है, तो NVH लेवल्स आर डैम गुड एंड इट्स अमेजिंग। आई थिंक इतना मतलब अच्छा मुझे कभी किसी गाड़ी में बैठकर नहीं लगा, जितना कि अच्छा और पीसफुल लगता है इस गाड़ी के अंदर बैठ के। सेकेंड थिंग इज जो इसका गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी है अमेजिंग है, क्योंकि हमने मतलब अराउंड 4000 किलोमीटर्स का ऑलरेडी ड्राइव इस पे कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो बैंगलोर से जमशेदपुर का भी हमारा ट्रिप था वो कुछ अराउंड 1780 किलोमीटर्स का था, और मतलब हमने ना इतने आराम से, मतलब इस गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि मतलब कितने भी आप हाई स्पीड में जाओ, आराम से चलाओ, मतलब ये आपको ना मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी बस भाग रही है, मतलब हाई स्पीड पे भी ना काफ़ी स्टेबल आपको फील करवाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये इसका स्टेबिलिटी वाला फीचर, और ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। ड्राइविंग कंफर्ट को असिस्ट करने के लिए इन्होंने थ्री बेसिकली ड्राइव मोड्स आपको दिए हैं। तो थ्री ड्राइव मोड्स जो हैं वो हैं इको मोड बेसिकली ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा इकोनॉमी फ्यूल के टर्म्स पे चाहिए तो आप इको मोड पे स्विच करते हो। कंफर्ट मोड जो होता है वो है कि थोड़ा कंफर्टेबल लेजी बैक टाइप का ड्राइविंग स्टाइल अगर आपको पसंद है, विद इन सिटी ड्राइव कर रहे हो तो एक कंफर्ट मोड, जो कि इकोनॉमी मोड और कंफर्ट मोड का, स्पोर्ट्स मोड का थोड़ा मिक्सअप है। एंड देन आ जाता है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आपकी कार ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग आपको देती है, इतना जूम से भागता है, एकदम मज़ेदार भागती है गाड़ी आपकी। तो आप क्विकली इस फीचर को कहाँ, इस पर्टिकुलर ड्राइव मोड को जो कि स्पोर्ट्स मोड, आप कहाँ यूज़ करते हो? मैंने जो हाईवे पे नोटिस किया वो ये था कि मतलब क्विक ओवरटेकिंग हो गया, या फिर आपको कहीं किसी जगह में मतलब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है आपको फटाफट ओवरटेक करना है, तो उन सब जगहों पे ना आपको इंस्टेंट पावर देती है स्पोर्ट्स मोड, तो उस समय पे आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैं बता रही थी, क्विकली आपको एक ग्लिम्प्स देना चाहूँगी कि कैसा लगता है इसका डिजिटल डिस्प्ले, जो डिफरेंट मोड्स है ड्राइविंग का। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गाड़ी जो होती है वो कंफर्ट मोड में होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे वो स्विच है जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, ये ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड। तो ये देखिए, इसको मैंने टर्न किया एक बार हल्के से, तो ये गाड़ी आपकी इको मोड में चली गई है, डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है और ये सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं। एंड देन आपने जब टर्न किया तो ये रहा आपका स्पोर्ट्स मोड, एकदम फायर टाइप का सडन ये आता है, सर्ज आता है, और बहुत ब्यूटीफुल इसका डिस्प्ले है, मतलब स्पोर्ट्स के हिसाब से इसका मतलब सारा लुक डिफाइन किया गया है। तो ये इस तरह से फंक्शन करती है आपकी डिजिटल डिस्प्ले, जो है आप जिस मोड में ड्राइव करते हो ना, तो ये उस मोड का आपको फील देती है बेसिकली। सो अनदर पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना वो काफ़ी बढ़िया है। उसका जो बटन है वो यहीं पे दिया गया है, एज यू कैन सी, ये जो व्यू वाला बटन है ना, एज यू कैन सी, वो 360 डिग्री व्यू के लिए है। तो देखिए, जैसे मैं उसको प्रेस करूँगी ना, तो ये देखिए इन्फोटेनमेंट सिस्टम पे आपको इस तरह से दिखेगा, चेक सराउंडिंग फॉर योर सेफ्टी करके आता है। आप इसको मल्टीपल एंगल से भी आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे अपनी गाड़ी की जो भी एंगल से आपको देखना है, आपको उस एंगल से बहुत ज़्यादा फ्रंट को आपको स्क्रूटिनाइज करके देखना है तो आप वो चेक कर सकते हो। उसी तरह से ये साइड के एंगल्स दिखा रहे हैं कि आपकी गाड़ी का साइड्स में कोई ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है या नहीं। दिस इज द एंटायर सराउंडिंग, जो कि ये पूरा रेयर का दिखा रहा है। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा है ये 360 डिग्री व्यू, और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत हेल्प करता है जब आप टाइट स्पेसेस से अपनी गाड़ी को निकाल रहे हो, विद इन सिटी ट्रैफिक है, अगल बगल बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, या फिर कहीं भी है, फॉर सेफ्टी के तौर पे भी मतलब ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप बहुत स्टिफ स्पेसेस से अपनी गाड़ी को निकाल रहे हो, आप अपना ऑन कर लो इस 360 डिग्री को, एंड देन यू कैन व्यू आराम से, क्योंकि आप, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये बस आपको रियर कैमरा का एक्सेस देता है, पूरा सराउंडिंग का एक्सेस नहीं देता है। तो जब स्लो स्पीड पे आप रहते हो, जैसे 20-30 टाइप्स, तो आप आराम से पूरा सराउंडिंग व्यू ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा स्पीड पे रहते हो तो आपको बस रियर एंगल का ही ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें।
तो ये था 360 डिग्री व्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो मैं क्विकली आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि डिजिटल डिस्प्ले यूनिट पे आता है। तो व्हेनेवर आप जब भी मान लीजिए राइट साइड की ब्लिंकर देते हो, तो आपको उस साइड का बेसिकली व्यू मिल जाता है, तो आपकी टर्निंग वगैरह काफी इजी हो जाती है। तो राइट हैंड साइड का अगर आप ब्लिंकर प्रेस किए हो, तो एज इन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, राइट हैंड साइड का कैमरा जो कि ओआरवीएम में फिक्स्ड है, राइट हैंड साइड के ओआरवीएम में वो आपको दिख जाता है। और जब आप लेफ्ट साइड की ब्लिंकर देते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड का कैमरा जो है एक्टिवेट हो जाता है, वो आपको प्रॉपर व्यू देता है। क्लैरिटी काफी अच्छी है, पूरा इजिली मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट में क्या है। तो आइए चलिए आपको क्विकली एक और चीज के बारे में बताती हूँ जो कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड है। वो ये है कि ये देखिए बहुत बड़ा अमेजिंग सनरूफ है इसका, इसको पैनारोमिक सनरूफ बोलते हैं, और बहुत अमेजिंग व्यू देता है ये। अगर आप मान लीजिए जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस वगैरह ट्रैवल कर रहे हो ना, और थोड़ा बहुत शाम के बाद वाला जो समय होता है उस वक्त भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो या रेनी सीजन है आप उस समय ट्रैवल कर रहे हो, तो ये पूरा मतलब जो भी एन्जॉयमेंट है ना उसको डबल अप कर देता है। रात को तारे वारे अगर आसमान में दिख रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब आप आराम से उसको देखते देखते ना आपकी लंबी लंबी जर्नी आराम से निकल सकती है। तो मैं दिखाती हूँ इसको, बस एक बार आपको इसका व्यू देना चाहूंगी कि कैसा दिखता है। देखिए अभी ये ब्लाइंड ओपन हो रहा है सनरूफ का, देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है। और ये रहा, सनरूफ ओपन हो गया है। इधर पीछे वाले को हम मून रूफ कहते हैं, तो काफी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है और अपना पर्पस को वेल सर्व करता है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत एलिगेंस और बहुत ब्यूटी ऐड करता है इस कार को। प्लस मतलब अगर आप अमेजिंग, मतलब इसके बारे में मैं जितना बोलूँ कम होगा, बाहर आप देखते हो अगर मान लो हिली स्टेशन या हिली रीजन से गुजर रहे हो, तो जो प्लांट्स वगैरह ग्रीनरी वगैरह आपको एंजॉय करनी है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इसका एक रियल टाइम मैं आपको ये एग्जाम्पल देना चाहूंगी ना, कि अगर आपके साथ कोई किड वगैरह ट्रैवल करता है तो ये आपका लाइफ बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैं विवान के साथ बैंगलोर से जमशेदपुर तक का मैंने ट्रिप किया था, तो मतलब उसको इधर फीडिंग वगैरह में या खिलाने पिलाने में काफ़ी आसानी हो जा रही थी। मैं उसको आराम से डिस्ट्रैक्ट करके कि वो देखो मून है, और मैंने आराम से उसको हैंडल कर लिया था थ्रू आउट माई ट्रिप। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है और एंटरटेनमेंट के एंगल से बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्विकली, और 2 से 3 पॉजिटिव एंगल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो हमने फील किया अपने लॉन्ग ट्रिप पे। सबसे पहला ये कि इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अमेजिंग है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं डिस्क ब्रेक है सारे 4 व्हील्स पे, तो बहुत ही अच्छा है। आप मतलब जहां लगाते हो आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो ब्रेकिंग में तो मुझे नो कंप्लेंट्स, एकदम एब्सोल्युटली काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका अप्रोक्सीमेटली जो टिपिकल एसयूवी का होता है उतना है, तो कुछ 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और हमने काफी लंबी जर्नी मतलब तय करी है 4000 किलोमीटर की, जैसा कि मैंने पहले भी काफी बार इसको मेंशन किया है। कहीं भी किसी भी तरह के किसी भी बम्प्स पे या पॉट होल्स पे हमारी गाड़ी टकराई नहीं है, जो सबसे गाड़ी का लोएस्ट लेवल है। तो आराम से, काफी लगेज थे, काफी लोग थे हम लोग गाड़ी में, बट किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ग्राउंड क्लियरेंसेस ट्रूली अमेजिंग। चलिए क्विकली आपको सीटिंग कंफर्ट के बारे में बता दें। फ्रंट में तो मतलब अगर मान लीजिए आप लोग 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ये गाड़ी में स्पेस ही स्पेस आपको दिखेगी। मिडिल रो इतना मजेदार है कि अगर आप इसको पूरा पीछे स्लाइड कर देते हो, तो पीछे रखने का सामान भी काफी हो जाता है, क्योंकि थर्ड रो आपकी नीचे हो जाती है। एंड आप यहाँ आराम से काफी फैल कर बैठ सकते हो, बहुत ज्यादा स्पेस दे रखा है। लेग रूम काफी है, थाई सपोर्ट अच्छा है, सब तरफ से बहुत अच्छा है। मतलब हमने 3 दिन की जर्नी करी, हमें कुछ ज्यादा मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल, आई हैव नो कंप्लेंट्स, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा है। सो आइए क्विकली चलते हैं, आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताती हूँ। और वो ये है कि जैसे ही देखिए, जैसे की मेरे हाथ में है ना, और आप गाड़ी के टूवर्ड्स अप्रोच करते हो, तो देखिए ये ओआरवीएम जो है खुद ब खुद ओपन हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे लोगो जो है डिस्प्ले पे आता है। ये देखिए यहाँ पे मिनी प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं ओआरवीएम पे, तो कितना ब्यूटीफुली देखिए ह्यूंडई का लोगो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कुछ समय के लिए रहता है, फिर अपने आप ऑफ हो जाता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी से दूर जाओगे ना, तो ये जो ओआरवीएम है
ये खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। ये थे सारे जो हमने पॉजिटिव फीचर्स और लाइक जो मेरे फेवरेट फीचर्स थे पॉजिटिव एंगल्स से जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। मुझे बहुत ज्यादा ऑनेस्टली नेगेटिविटी में मतलब नेगेटिव फीचर्स में कुछ बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं है। एक छोटी सी चीज मुझे ये फील हुई कि मतलब इस गाड़ी का सस्पेंशन काफी सॉफ्ट साइड पे रखा गया है, तो आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा कि किसी भी बम्पर पे या फिर कहीं भी आप गाड़ी को बहुत ज्यादा रफली हैंडल नहीं कर सकते हो। इस गाड़ी को जितना लव और केयर के साथ ड्राइव करोगे ये गाड़ी आपके लिए उतनी स्मूथ और उतनी मजेदार रहेगी। तो काइंड ऑफ ये नेगेटिव कुछ भी ऐसा नहीं है, बट मतलब हाँ जस्ट टू एड ऑन, मतलब जैसे आप सफारी हो या फिर दूसरी गाड़ियों को एसयूवीज को थोड़ा रफली हैंडल कर सकते हो, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, मतलब मजे से चला सकते हो, वो चीज नहीं है। ये आराम से थोड़ा ड्राइव करने वाली गाड़ी है, तो थोड़ा कार टाइप का फील देता है एंड एसयूवी तो है ही। फाइनली मैंने अपनी सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर दी है आफ्टर ड्राइविंग अराउंड 4000 किलोमीटर्स। इस गाड़ी का क्या मतलब फीचर्स अच्छा लगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या थे, सारी चीज़ें मैंने मतलब बीइंग एन ओनर मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। एंड आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल हो। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल साबित होती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं शेयर करना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा कंटेंट कि हमने सारी चीज़ें कवर की हैं हर तरफ से आपको अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन एंड कीप गिविंग अस योर सपोर्ट, शो अस योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।